हेलो एवरीवन वन सो टूडे विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 662 ऑफ लीड कोड लीडकोड विच इज मैक्सिमम विथ ऑफ अ बाइनरी ट्री अब ये वाला जो प्रॉब्लम है ना ये मेरी ट्रीज प्लेलिस्ट का पार्ट है और ये किस कैटेगरी में फॉल करता है लेवल ऑर रिवर्सल चलो देख लेते हैं इसमें हमें करना क्या है हमसे पूछा क्या गया है हमको एक इनपुट ट्री गिवन होगा है ना जैसे कि यहाँ पे गिवन है और हमको उसकी मैक्सिमम विथ रिटर्न करनी है अब वो मैक्सिमम विथ्थ क्या होती है बाइनरी ट्री की जिस भी लेवल पे एंड नोट्स जो भी हैं तुम्हारे पास उनकी जो लेंथ है अगर वो मैक्सिमम है तो वो मैक्सिमम विथ हो जाएगी है ना अब ये एंड नोट्स क्या है मतलब देखो फाइव और नाइन ये एंडिंग नोट्स हैं है ना किस लेवल के लिए लेवल थ्री के लिए टू और थ्री एंडिंग नोट्स हैं किस लेवल के लिए ये लेवल टू के लिए ठीक है तो इसकी लेंथ क्या होगी फाइव थ्री नल और नाइन है ना नल भी काउंट होगा तो मान के चलो अगर मेरे पास ऐसा ट्री है ना ये ये आ ये और ये ये और ये ठीक है चलो अब इसकी विथ निकाल के बताओ मैक्सिमम विथ्थ क्या होनी चाहिए तो उस हिसाब से मैं क्या करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे एक तो नल लिख लेता हूँ है ना ऐसे इसको ऐसा नल बना देता हूँ जिससे मुझे लेंथ निकालने में दिक्कत ना हो ठीक है यहाँ का जो नल है ना ये कोई मैटर नहीं करता जो भी वैलिड नोड्स हैं उनके बीच के नल मैटर करते हैं ठीक है अगर उनके बीच में कोई भी नल है तो वो भी काउंट होगा लेंथ में ये इंपॉर्टेंट है जानना है ना तो इस लेवल की लेंथ कितनी हो गई टू इस लेवल की लेंथ कितनी हो गई थ्री इस लेवल की लेंथ कितनी हो गई वन टू थ्री फोर है ना क्योंकि इस लेवल पे एंडिंग नोड्स कौन से हैं ये और ये और इनके बीच में दो नल हैं तो इसकी मैक्सिमम विथ्थ कितनी हो जाएगी फोर ठीक है समझ गए प्रॉब्लम अब इसको करना कैसे है सबसे पहले तो बात आई है लेवल की तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए लेवल ऑर्डर रिवर्सल तो तुम सोचो उसको किस तरीके से कर सकते हो सबसे पहले हो सकता है तुम्हारे दिमाग में यह बात है कि जब मैं लेवल ऑर्डर रिवर्सल करता हूँ तो मेरे पास हर हाइड्रेशन में क्यू का जो साइज़ होता है वो साइज क्या डिनोट करता है कि एक लेवल पे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ठीक है थीके? तुम उस साइज को ले लो है ना उस साइज को ले लो हर हाइड्रेशन में और देखो मैक्सिमम साइज किस में आ रहा है तो वही मैक्सिमम ऑफ अ बाइनरी ट्री हो जानी चाहिए हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये अप्रोच आए और अगर ये आ रही है तो ये एक्चुअली में गलत है लेकिन अगर तुम इसको फर्स्ट टाइम एनकाउंटर कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में ऐसी अप्रोच आ रही है तो देर इज नो प्रॉब्लम है ना सोचो इस टाइप की अप्रोच वहीं से तुम सही अप्रोच की तरफ जाओगे अब इसमें गलत क्या है क्योंकि क्या है ना जब तुम लेवल ऑर्डर रिवर्सल करते हो तो तुम ये नल वैल्यू को स्टोर नहीं करते हो है ना तो हर लेवल पे हर लेवल पे तुम्हारे पास क्यू में क्या क्या होगा ये नोड होगी और ये नोड होगी ये नल की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ओवरऑल साइज फोर नहीं आएगा तुम्हारे पास अगर तुम क्यू से साइज़ निकालोगे तो यहाँ भी टू आएगा यहाँ भी टू आएगा यहाँ भी टू आएगा है ना जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए थ्री और यहाँ पर होना चाहिए फोर ये दो नल की वजह से और यहाँ पे इस एक नल की वजह से समझ रहे हो तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर तो सिंपल लेवल ऑर्डर रिवर्सल तो यहाँ फेल हो गया तो अगर तुम सिंपली लेवल ऑर्डर रिवर्सल करोगे तो दैट वी इनफ है ना तुमको और भी कुछ करना पड़ेगा ठीक है तो इस लेवल ऑर्डर रिवर्सल वाली अप्रोच से तो आंसर नहीं आ रहा है बट एट द एंड करना तो हमको लेवल ऑर्डर रिवर्सल ही है बट जो मैक्सिमम विथ है वो किसी और तरीके से निकालनी पड़ेगी है ना तो चलो देखते हैं वो तरीका क्या है ठीक है तो उसको समझते हैं अब करना कैसे है अभी हमने देख लिया कि हमको बस इतना पता है कि लेवल ऑर्डर रिवर्सल लगना है और कुछ नहीं पता है और हमको ये भी समझ में आए कि हर हाइड्रेशन में क्यू में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं है ना क्यू का जो साइज़ होता है अगर हम उससे मैक्सिमम विथ निकालें तो उससे आंसर नहीं आने वाला क्योंकि तो उसमें नल काउंट नहीं होता है तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि नल को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा है ना और इम्पोर्टेंस कैसे दे सकते हैं उसको हम या तो उसको स्टोर कर लो या लेकिन स्टोर करने में भी एक प्रॉब्लम है है ना तुम इस तुम्हें इस नल को स्टोर नहीं करना है है ना मैं ये ट्री समझा देता हूँ ये ट्री क्या है ये जो डॉटेड है ना ये सारे नल हैं ये डॉटेड ये भी नल है ये नल इसके दो चिल्ड्रन है ये भी दो नल है है ना इसका ये भी चाइल्ड नल है बाकी ये सब वैलिड नोड्स है है ना तो जब तुम विट्स निकाल रहे होगे तो तुमको ये नल स्टोर नहीं करना है बट ये नल स्टोर करना है है ना इसको भी स्टोर करना है है ना फिर ये नल को स्टोर करने वाला सोल्यूशन तो बिल्कुल भी वायबल नहीं लग रहा है तो अब हम क्या करें तो तुम क्या करो अगर ये नल है ना अगर ये नल मार्ग्ड है है ना अगर तुम इनकी मार्किंग कर दो तुम शुरुआत करो जीरो से जीरो बेस इंडेक्सिंग से करते हैं ना जीरो वन टू अब क्योंकि तुम लेवल ऑर्डर रिवर्सल कर रहे हो तो तुम उसको लेवल वाइज मार्क करो थ्री फोर फाइव सिक्स है ना सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और ये फोर्टीन ठीक है अब तुम लेवल ऑर्डर रिवर्सल करो अगर तुम्हारे पास ऐसे इंडेक्सेस आ गए है ना ट्री के अब तुम लेवल ऑर्डर रिवर्सल करोगे तो देखो इसमें तो एक ही नोड है ठीक है तो इसकी लेंथ वन हो गई अब तुम इसमें कितने नोड है अब तुम क्या करो देखो ये है तुम्हारे पास क्यू है ना और हर आइट्रेशन में तुम्हारे पास क्यू में ये होगा और ये होगा ये फर्स्ट एलिमेंट होगा और ये लास्ट एलिमेंट होगा है ना आई मंज्यूमिंग की तुमको लेवल ऑर्डर रिवर्सल अच्छे से आता है नहीं आता है, तो उसकी डिटेल वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा देख लेना उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है ठीक है तो जब तुम हर नए आइट्रेशन में आते हो तो क्यू में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक लेवल को बिलोंग करते हैं तो उसी हिसाब से क्यू में इस लेवल के लिए कितने एलिमेंट्स होने चाहिए ये और ये तो तुम क्या करो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट है ना फर्स्ट एलिमेंट लो और लास्ट एलिमेंट लो उसका दोनों का डिफरेंस लो उसमें एक ऐड कर दो तो ये हो जाएगा टू माइनस वन प्लस वन ये हो गया टू इसमें दो एलिमेंट है और इसकी विर्थ कितनी है टू सेम चीज यहाँ पे होगा है ना तुमने वन के चिल्ड्रन स्टोर करे टू के टू के चिल्ड्रन स्टोर करे है ना तो तुम्हारे क्यू में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे नेक्स्ट आइट्रेशन में ये होगा ये होगा ये वाला नहीं होगा ये स्टोर नहीं करते हम और ये वाला होगा तीन नोड्स होंगे लेकिन इसका भी कंट्रीब्यूशन आ चुका है क्योंकि देखो हमने इसको मार्क कर दिया ना क्योंकि हमने इसको मार्क फाइव किया है इसलिए इसको सिक्स किया है है ना तो इसका कंट्रीब्यूशन भी काउंट हो चुका है तो तुमको क्या करना है सिक्स माइनस थ्री प्लस वन ये हो गया फोर इसकी वेथ हो गई फोर है ना अब नेक्स्ट आइट्रेशन में आओगे तो Q में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे ये 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 और ये ये तीन नल नहीं होंगे और ये वाला तो वैसे भी नहीं होगा ठीक है तो तुमको फिर से वही काम करना है फोर्टीन माइनस एट प्लस वन ये क्या है सेवन बढ़िया देखो मैक्सिमम विथ मिल गई तुमको है ना तुम्हारा आधा काम हो गया तुमने आइडिया सोच लिया कि भाई अगर तुम्हारे पास मार्किंग होगी तो तुम मार्किंग से कुछ कर सकते हो लेकिन यार मार्किंग जनरेट कैसे करें दैट्स द प्रॉब्लम राइट कि मार्किंग जनरेट कैसे करें भाई हमारे पास तो ऐसा ट्री आएगा नहीं जिसमें जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा सब मार्क्ड होगा तो वो तो हमें खुद ही जनरेट करना पड़ेगा तो वो कैसे करें तो देखो बाइनरी ट्रीज़ में बहुत ही फेमस चीज़ है ये कि कोई भी जो अगर नोड है ना आई पे है अगर तो उसका जो चाइल्ड है ना वो टू इंटू आई प्लस वन पे होगा जो लेफ़्ट चाइल्ड है और जो राइट चाइल्ड है टू इंटू आई डी प्लस टू पर होगा अब ये कैसे आ गया ये नंबर कैसे आए इसको तुम बहुत तरीके से प्रूफ कर सकते हो मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो बहुत इजीली है ना हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से देख लेते हैं और ये चीज़ कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए एप्लीकेबल होती है है ना हमने यहाँ पे एक वर्चुअल ट्री बना के रखा है ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है एक्चुअली में कंप्लीट नहीं था वो बट हमने क्योंकि ये नल को भी इंट्रोड्यूस करा दिया ना तो इसलिए हम इसको कंप्लीट बाइनरी ट्री मान रहे हैं और इसलिए हम ये चीज लगा पा रहे हैं यहाँ पे तो देखो मान के चलो तुम इस नोट पर हो है ना तुम इस नोट पर हो इसकी इंडेक्स क्या है टू तो इसके चाइल्ड कैसे आएंगे अगर इंडेक्स टू है तो टू इंटू टू प्लस वन और टू इंटू टू प्लस टू ठीक है ये हो जाएगा फाइव और सिक्स देखो उसके चाइल्ड आ गए ना अब ये टू आई डी एक्स प्लस वन और टू आई डी एक्स प्लस टू कैसे आया ये मैं बहुत इंट्यूटिवली समझाने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनना है ना तो इसके लिए एक नया ट्री बनाते हैं और उसमें बहुत ईजिली एक बार में समझ में आ जाएगा ठीक है ठीक है तो ये मेरा ट्री है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना ये मेरा ट्री है ए बी सी डी के नाम से अब मैंने इसका लेवल ऑर्डर रिवर्सल लिखा तो कैसा दिखेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है ना कंप्लीट बाइनरी ट्री है दिख रहा है हमको अब मैंने क्या बोला था जैसे टू है और इसका चाइल्ड क्या है फाइव और सिक्स अब ये फाइव और सिक्स कैसे आया देखो यहाँ पे ठीक है सी मेरा यहाँ पर है और एफ और जी कहाँ पर है यहाँ पे और ये टू क्या डिनोट करता है ये टू क्या डिनोट करता है कि सी के पहले कितने नोड्स हैं है ना कितने एलिमेंट्स हैं नोड्स एलिमेंट दो में जो भी बोलना है ठीक है कितने नोड्स हैं सी के पहले कितने नोड्स हैं दो नोड्स हैं और हर नोड के कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं मैक्स दो चिल्ड्रन होते हैं और कंप्लीट बाइनरी ट्री में तो दो होते ही हैं है ना तो तुमको क्या करना है अगर तुम्हें एफ तक पहुँचना है तो तुमको ए के चिल्ड्रन और बी के चिल्ड्रन को स्किप करना पड़ेगा तब कहीं जाके तुम एफ पे पहुँचोगे कैसे देखो ए है ये है ना इसके चिल्ड्रन क्या है बी और सी तुमने ए से शुरू किया बी और सी को स्किप किया ठीक है फिर तुम्हें बी के चिल्ड्रन को भी स्किप करना है जो कि सी के पहले आता है ना सी के पहले जितने भी एलिमेंट्स या नोड्स हैं उनके चिल्ड्रन को स्किप करके ही तुम अपने चिल्ड्रन पे जा पाओगे राइट पहले ए के चिल्ड्रन आएंगे फिर बी के चिल्ड्रन आएंगे फिर सी के चिल्ड्रन आएंगे तुम्हें ए के चिल्ड्रन कितने हैं दो और उसके बाद वाले नोड मतलब बी के कितने चिल्ड्रन हैं उसके भी दो हैं है ना तो इन दोनों नोट्स के चिल्ड्रन को स्किप करके तुम अपने चिल्ड्रन पे जा पाओगे है ना तो वो कैसे होगा कि टू आई ये हो गए तुम्हारे पिछले नोड के चिल्ड्रन है ना टू क्या डिनोट कर रहा है हर नोड के दो चिल्ड्रन होते हैं और ये तुम्हारे पहले कितनी नोड्स हैं है ना टू है मतलब तुम्हारे पीछे दो नोड्स हैं तो तुम्हें उनके चिल्ड्रन स्किप करने हैं उस स्किप करने के बाद तुम जब पहला जंप लोगे तो तुम खुद के चिल्ड्रन पे आओगे और उसके बाद जब दूसरा जंप लोगे तब तुम अपने राइट साइड पे आओगे मतलब यहाँ पे तुम लेफ्ट साइड पे आओगे और उसके बाद तुम राइट साइड पे आओगे समझ रहे हो अब देखो डी क्या है डी भी ऐसे निकालते हैं हम डी के पहले कितने नोड्स हैं ए बी सी तो तुमको तीनों के चिल्ड्रन को स्किप करना है ए के चिल्ड्रन क्या है बी सी ठीक है इनको स्किप किया फिर बी के चिल्ड्रन क्या है डी ई e. और सी के चिल्ड्रन क्या है एफ जी उसके बाद तुम अपने चिल्ड्रन पे आओगे लेफ्ट सब ट्री पे और उसके बाद फिर तुम तो एक और जंप लोगे तो राइट सब ट्री पे आओगे और हर नोड के कितने चिल्ड्रन है दो तो थ्री इंटू टू प्लस वन तब कहीं जाके तुम तो अपने चिल्ड्रन पे आ पाओगे ठीक है तो आप समझ में आयो कि टू आईडी एक्स प्लस वन कैसे आ रहा है तो अब हमको क्या करना है जब हम लेवल ऑर्डर रिवर्सल कर रहे हैं है ना जैसे हम लेवल ऑर्डर रिवर्सल कर रहे हैं तो हम अपने चिल्ड्रन की इंडेक्सिंग भी डाल दें उसके साथ साथ हम एक हम क्यूँ में सिर्फ ट्री नोड टाइप का डेटा स्ट्रक्चर स्टोर नहीं करेंगे हम एक पेयर स्टोर करेंगे उसमें क्या होगा इन्फॉर्मेशन ये पेयर में एक नोड होगी और उसकी इंडेक्स होगी है ना और वो इंडेक्स कैसी आएगी पेरेंट के थ्रू तुम जैसे इस पेरेंट पे आओगे और जब तुम इसके चिल्ड्रन को स्टोर कर रहे होगे तो इसकी इंडेक्सिंग होगी तुम्हारे पास है ना और इसकी इंडेक्सिंग से तुम इसकी चिल्ड्रन की इंडेक्सिंग निकाल दोगे है ना मान के चलो जैसे तुम इस क्यू पे हो है ना और तुम आए यहाँ पे बी पे और तुम्हारे पास वन है ऑलरेडी है ना वन तुम्हारे पास हो गए क्योंकि तुम्हारे पास जीरो है तुमने जीरो से वन बनाया और टू बनाया अब तुम्हारे पास वन है अब तुमको वन से थ्री और फोर बनाना है और टू से फाइव और सिक्स बनाना है बहुत ही सिंपल है वन इंटू टू प्लस वन वन इंटू टू प्लस टू टू इंटू टू तो प्लस वन इं टू इंटू टू प्लस टू ऐसे करते करते तुमको इंडेक्सिंग बनानी है और तुम्हारे पास इंडेक्सिंग आ गई तो तुम्हारे पास विथ आ जाएगी और विथ आ गया तो क्वेश्चन खत्म है ना बस इतना ही था एक्सप्लेनेशन ये वाला जो पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैंने बहुत इंटिवली बताने का ट्राई किया है जनरली क्या होता है ना जनरली क्या होता है ना जो मैथमेटिकल प्रूफ है ना वो इतने दिमाग में बैठते नहीं है इसी तरीके के इंट्यूशन दिमाग में रहेंगे तुम्हारे हमेशा अगर ऐसे सोचोगे तो कभी भूलोगे नहीं कि एक नोट गिवन है और उसका इंडेक्स गेवन है तुमको उसकी चिल्ड्रन की इंडेक्स निकालनी है कंप्लीट कम्प्लीट बैनिड में है ना ये मैं बार बार बोल रहा हूँ ये कंप्लीट बनेट ट्रीम में ही पॉसिबल है क्योंकि क्या हो रहा है ना अगर तुम यहाँ पे एक और एच आई जे के इसको तुमने के बोल दिया मान के चलो है ना अब तुम इसका अगर से लिखोगे तो आई के बाद किया जाएगा तो के की इंडेक्सिंग नाइन हो जानी चाहिए बट के की इंडेक्सिंग नाइन नहीं है एक्चुअली में के की इंडेक्सिंग क्या होनी चाहिए अगर वो कम्प्लीट बायोनिट्री का पार्ट है के की इंडेक्सिंग क्या होनी चाहिए टू इंटू फाइव प्लस वन देखो उसका पेरेंट क्या है फाइव और वो लेफ्ट सब ट्री है तो टू इंटू फाइव प्लस वन होना चाहिए मतलब हमको यहाँ पे भी एलिमेंट्स भरने पड़ेंगे और यहाँ पे अगर एलिमेंट्स भरना है मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना है ठीक है इसलिए यहाँ पे इन नल को इंपॉर्टेंस दी है जिससे कंप्लीट बाइनरी ट्री बने कंप्लीट बैन एट्री मतलब क्योंकि इस नल को भी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए है ना इसका भी इंडेक्सिंग होनी चाहिए तभी हमारी विथ सही आएगी और ये नल तो स्टोर होगा नहीं हमारे लेवल ऑर्डर रिवर्सल में तो ये होगा और ये होगा और इन दोनों का डिफरेंस प्लस वन करके हम विट निकाल लेंगे ठीक है तो चलो कोड करते हैं इसको अब कोट करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले एक एच के हैंडल कर लेते हैं कि इफ अगर तुम्हारा रूट ही नल है है ना अगर रूट तुम्हारा नल है तो क्या कर दो तुम रिटर्न कर दो ज़ीरो उसकी मैक्सिमम विथ क्या होगी जीरो ठीक है हम एक विथ इनिशलाइज कर लेते हैं एक विथ के हम जीरो शुरुआत करते हैं जीरो शुरू करते हैं अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे अपना लेवल ऑर्डर रिवर्सल और उसके लिए हम क्या लेते हैं हमेशा क्यू अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे अपना लेवल ऑर्डर रिवर्सल और उसके लिए हम क्या लेते हैं क्यू है ना और क्यू के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं जनरली वो ट्रीनोड टाइप के होते हैं बट यहाँ पे हम एक पेयर लेंगे पेयर क्यों एक एलिमेंट ट्री नोड होगा और दूसरा इंडेक्स है ना तो वो लिख लेते हैं पेयर ऑफ टाइप ट्री नोड और क्या होना चाहिए दूसरा है ना लॉन्ग टाइप का है ना यहाँ पे उन्होंने बोला इट इज़ गारंटीडेड आंसर विल बी इन द रेंज ऑफ थर्टी टू बिट साइन एंडीचर यहाँ पे हमने सेफ्टी के लिए लॉन्ग ले लिया है और इसको बोल देते हैं क्यू तो हो जाएगा क्यू डॉट पुश है ना उसके अंदर क्या एक पेयर जाएगा क्या कौन सा पेयर रूट कॉमा जीरो है ना रूट की इंडेक्स क्या है जीरो यहाँ से तुम्हारा लेवल ऑर्डर ट्रेवल शुरू होता है अब तुम वाइल लूप लिखोगे वाइल में क्या आता है सबसे पहले जब तक क्यू एम ना हो है ना और इसके बाद तुम क्या करोगे साइज निकालोगे क्यू का है ना इसको नीचे कर देता हूँ मैं हाँ अब तुम क्या करोगे साइज निकालोगे क्यू का तो लॉन्ग इसको क्या बोलते हैं एल क्यू डॉट साइज ठीक है और एक स्टार्ट पॉइंटर निकाल लो और एक एंड पॉइंटर निकाल लो तो लॉन्ग स्टार्ट वो क्या होगा क्यू डॉट फ्रंट है ना अब तुम्हारे पास जैसे तुम्हारा ट्रेवर्सल शुरू हो रहा है ना एक लेवल के लिए अब यहाँ से तुम क्या कर रहे हो लेवल का ट्रिवर्सल कर रहे हो हर लेवल के एलिमेंट्स को देखोगे तो Q का जो फ्रंट होगा उसमें उस लेवल का पहला एलिमेंट होगा और Q का जो बैक होगा उसमें उस एलिमेंट उस लेवल का लास्ट एलिमेंट होगा तो उसी तरीके से ये हो जाएगा लॉन्ग ऑफ एंड और Q बैक है ना इससे तुम्हें क्या होगा अब एक चीज और है फ्रंट डॉट सेकेंड ना, second element है ना जो सेकंड एलिमेंट है ना सेकेंड एलिमेंट इंडेक्स है पहला ट्री नोड है और दूसरा इंडेक्स है तो यहाँ पे डॉट सेकेंड से हमको इंडेक्स मिल जाएगी तो मेरे पास स्टार्ट इंडेक्स आ गई और एंड इंडेक्स आ गई अब तुम विथ निकाल सकते हो है ना तो विथ क्या हो जाएगी मैक्स ऑफ विथ और एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन ठीक है अब तुम क्या करोगे उस लेवल को ट्रेवर्स करोगे तो वो कैसे करोगे फॉर इंट आई इक्वल टू आई इक्वल टू जीरो आई शुड आई प्लस ऑटो temp क्यू डॉट फ्रंट है ना ये क्या होगा इसका टाइप एक पेयर होगा मैंने यहाँ पे टाइप ऑटो ले लिया है और क्यू डॉट पॉप है ना इसको पॉप कर दो ये तो सिंपल अपना लेवल ऑफ ट्रेवर्सल चल रहा है अब तुमको चेक करना है इफ टेम्प uh, डॉट फर्स्ट है ना टेम डॉट फर्स्ट में क्या है नोड है क्या इसका लेफ्ट है अगर इसका लेफ्ट है तो पुश कर दो है ना तो क्यू डॉट पुश क्या पुश करोगे टेम्प डॉट फर्स्ट का लेफ्ट है ना उसके साथ साथ तुम्हें उसकी इंडेक्स भी उसके चिल्ड्रन की इंडेक्स भी पुश करनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू इन टेम्प ऑफ सेकेंड प्लस वन है ना ये हो गया लेफ्ट का इंडेक्स है ना लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स और इसको एज अ पेयर बना के इंसर्ट कर दो टू इन टू टेम डॉट सेकेंड ठीक है और सेम चीज़ तुमको राइट right चाइल्ड के लिए करनी है ना जो तुमने लेफ्ट चाइल्ड के लिए किया है तो इसको पुश कर दो राइट right चाइल्ड के लिए भी सेम चीज़ कर दो है ना ये हो गया राइट right, और ये भी हो गया राइट right, और ये हो गया टू इंटू आई डी एक्स प्लस टू है न और कुछ करना है क्या नहीं तुमने यहाँ पे विथ निकाल ली है यहाँ निकाल लिए और एक चीज़ और इसको लॉन्ग कर दो है ना ये लॉन्ग होगा नहीं तो एरर आ जाएगा और रिटर्न विथ ठीक है चलो तो इसको रन करके देखते हैं देखो एक्सेप्ट हो गया इसको सबमिट करके देखते हैं ठीक है क्या इशू हो सकता है इसको हम पेयर बना के देखते हैं है ना प्रॉपर पेयर डिफाइन करते हैं हो सकता है ये वो वैल्यू ना ले रहा हो ठीक है बस ये टाइपकास्टिंग का प्रॉब्लम था बाकी ये सब कुछ इशू तो था नहीं ठीक है तो आई होप समझ में आया होगा मेन तो इसमें यही था कि टू आई डी एक्स प्लस वन और टू आई डी एक्स प्लस टू कैसे आता है बाकी तो ये सिंपल ही था प्रॉब्लम है ना तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं